और अब बात यूपी की शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल की, जिन्होंने इस जाड़े में कल पहली बार स्वेटर पहना। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक स्कूली बच्चों को स्वेटर नहीं मिल जाता है, वो भी बिना स्वेटर के ही रहेंगी। कल बहराइच में उनके स्वेटर पहनने का जश्न मनाया गया। इसके बाद भी कि यूपी के 1 करोड़ स्कूली बच्चों को स्वेटर का इंतजार है, 50 लाख बच्चों को ही अब तक स्वेटर बांटे जा सकते हैं। आज 26 जनवरी सुबह ध्वजा रोहण के बाद बहराइच नगर पालिका के इस ग्राउंड में हम लोगों को स्वेटर आवरण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 26 जनवरी के मौके पर यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल गृह जिले बहराइच पहुंची। तालियों के बीच अनुपमा जायसवाल ने स्वेटर पहन लिया। उनके गुरु महंत रविगिरी ने उन्हें स्वेटर पहनाया। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है। बात को बड़ा तो मंत्री जी ने ही किया था इमोशनल कार्ड खेलकर। जब बच्चों को स्वेटर मिलने में देरी हो रही थी और योगी सरकार की हर तरफ आलोचना होने लगी, तो अनुपमा जायसवाल ने एक इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बच्चों को स्वेटर नहीं मिलता है, वो खुद भी स्वेटर नहीं पहनेंगी। और इस दौरान वो लगातार शॉल ओढ़ती रही। हालांकि वो जब मंच पर होती थी और ऑफिस में होती थी तो उनके साथ हीटर भी रहता था। हीटर के साथ उनकी तस्वीरें भी लोगों ने देखी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अनुपमा जायसवाल ने उसी रंग का स्वेटर पहना जो यूपी में आजकल बच्चों में बांटे जा रहे हैं। स्वेटर पहनना या ना पहनना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक संवेदना से जुड़ा हुआ यह काम था। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को भी स्वेटर नहीं मिला है, तो मुझे इस विभाग की मुखिया होने के नाते, एक माँ होने के नाते, मुझे भी अभी स्वेटर पहनने का अधिकार नहीं है। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को मुफ्त में जूते, मोजे और स्वेटर देने का ऐलान किया था। यूपी के 1,59,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल में 1,53,00,000 बच्चों को स्वेटर मिलने थे। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाने और पास कराने में 3 महीने लगा दिए। एक स्वेटर की कीमत 170 रुपए तय की गई, लेकिन इस कम दाम में कोई स्वेटर सप्लाई के लिए राजी नहीं था। फजीहत से बचने के लिए सभी स्कूलों को लोकल मार्केट से स्वेटर खरीदने को कह दिया गया। यूपी में 6 जनवरी से स्वेटर बटने शुरू हुए। यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का दावा है कि सरकारी प्राइमरी स्कूल के 50 लाख बच्चों को स्वेटर मिल गया है, बाकी बच्चों को भी स्वेटर जल्द ही मिल जाएगा। यानी बच्चों को स्वेटर बांटने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, इसीलिए अब मंत्री जी ने भी स्वेटर पहन लिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसी तरीके से, इसी नेक इरादे के साथ, दृढ़ इरादे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी, और हम सब आदरणीय योगी जी के पीछे पीछे उस युग ऋषि के चरणों का अनुसरण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर इस प्रदेश को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आधे से ज्यादा जाड़ा निकल गया, अब भी करीब 1 करोड़ बच्चों को स्वेटर मिलना बाकी है, लेकिन अनुपमा जायसवाल अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधने में लगी हैं। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।